राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर लाडवा में हरियाणा भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा, यहाँ आकर मुझे एक जन आंदोलन में शामिल होने का मौका मिला है। इस जन आंदोलन से जुड़े ही लेकिन एक संकल्प करें कि अपने जीवन में आप कभी भी गंदगी नहीं फैलाएंगे और स्वच्छता में अपना योगदान देंगे। हमारी जीवन शैली और आदतें स्वच्छता को मजबूती दें, इसकी कोशिश में भाजपा के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। यह कार्यक्रम एक घंटा और एक दिन का नहीं है बल्कि जीवन भर चलने वाला कार्यक्रम है। डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि भारत को स्वच्छ भारत में बदलने के इस मिशन की शुरुआत की। यह हमारी जीवन शैली को बदलने और नागरिकों के बीच जिम्मेदारी का गहरा व्यवहारिक परिवर्तन लाने के लिए है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, ये एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे भारत के लोग एक साथ आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण के पीछे एकजुट हुए हैं। ये सिर्फ सुंदर परिवेश के बारे में नहीं है, ये कल्याण के बारे में भी है, ये स्वास्थ्य के बारे में भी है। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 सितंबर जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इस पखवाड़े के दौरान आंखों की जांच, मेडिकल शिविर, लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, लोगों की सेवा करना सहित अन्य कई कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के आदेशानुसार देश में प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में आज 1 अक्टूबर से स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया गया है। इस अभियान के साथ आम जन को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर नगरपालिका की चेयरपर्सन साक्षी खुराना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के मार्गदर्शन में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान में संतों का आशीर्वाद भी मिला है और शहर के आमजन भी स्वच्छता अभियान के साथ जुड़े हैं। इस अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में देखा जा रहा है। जब शहर का प्रत्येक नागरिक इस अभियान के साथ जुड़कर काम करेगा तो निश्चित ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों का स्वच्छ भारत बनेगा। इस अवसर पर पीआर मंडल अध्यक्ष ओमवीर, मार्केट कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मेघराज सैनी, युवा मंडल अध्यक्ष सन्नी कालड़ा, देवराज राजू, युवा मोर्चा के महामंत्री साहिल लाडवा, राजू खुराना सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, नड्डा जी ने, हरियाणा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रगत जी ने माननीय मोदी जी के जन्मदिन को एक सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का अभियान सेवा पखवाड़ा के नाम से चलाने का काम किया और ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है। आज इसी के निमित्त स्वच्छता अभियान के तहत पार्टी के हमारे चौधरी प्रगत जी ने पूरे हरियाणा भर में 1 तारीख और 2 तारीख जो उस इलाके का प्रसिद्ध मंदिर है उसके स्वच्छता करने, उस इलाके के अंदर जो भी शहीदों की कहीं मूर्तियां हैं, उनके स्मारक हैं, उनको साफ सफाई करने, उनकी स्वच्छता करने और उस क्षेत्र का जो भी एक सर्वश्रेष्ठ कह सकता हूँ कि कैसे सफाई कर्मचारी उसको सम्मानित करना, ऐसा तय किया था। आज हमने लाडवा वार्ड नंबर 5 में वैसे 15 के 15 वार्ड में सफाई हुई है शहीद आजम भगत सिंह की और मदला धुमरा जी की जो मूर्ति है उनके स्मारक, उनको स्वच्छता किया, सफाई किया, उनको माल्यार्पण किया है और ये हमारा बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है माँ बाला सुंदरी देवी का मंदिर, इसकी हमने सफाई की है, स्वच्छता की है और साथ में पौधे रोपण विसर्जन किया है। हमारे बलदेव जी जो एक अच्छे कर्मचारी सफाई कर्मचारी को सम्मान करने का काम किया है, आप देख लो साथ में हमारी नगरपालिका की अध्यक्ष शास्त्री खुराना जी, मंदिर के अध्यक्ष भाई, हमारे आमवीर जी, युवा मोर्चा के मंत्री सन्नी कालड़ा जी, महामंत्री अरुण जी और युवा मोर्चा की सारी टीम, भाई सन्नी कालड़ा जी इसके अध्यक्ष हैं, तो सारी टीम आपके सामने आमजन से ही अपील करूँगा जो महात्मा गांधी जी इस मिशन को लेकर चल रहे और उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम पूरे देश को मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चला करके ODF करने का काम है, खुले में शौच मुक्त करने का। स्वच्छता हर जगह स्वच्छता रहेगी तो बीमारियों पर नियंत्रण काम होगा, बीमारियाँ नहीं होगी, इसलिए स्वच्छता से नाता जोड़ो और बीमारी से नाता तोड़ो। तो यही सभी से अपील करूँगा आपके माध्यम से स्वच्छता का ध्यान रखें, इससे बीमारी से नाता जोड़ो। अपने शहर में, अपनी गली में, अपने घर में जितने सफाई का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें, इतना बहुत अच्छा होगा ताकि आप सभी लोग बीमारियों से दूर रहें।